विधानसभा चुनाव में मतदान हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ दादावली चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ आपने लोगों से बात की कि वोटिंग को लेकर आपको कैसा लग रहा है, तो कुछ असुविधाएं लोगों की तरफ से हमें जानने को मिली है। हम आइए लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी और क्या क्या दिक्कतें हो रही है वोटिंग करने में। हाँ जी बताइए सर। व्यवस्था उचित नहीं है, बाकी यह है किसी मकान में अगर मकान में 6 वोटर हैं तो उसमें से 1 का नाम आ रहा है, 5 के नाम गायब है। ये सेक्टर अधिकारी को हमने इसके बारे में बताया है, फोन पे बात करी लेकिन उन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं दिया। तो ये जो नाम नहीं जुड़े हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अब ये निर्वाचन मुख्य आयुक्त से कंप्लेंट दर्ज करवा के इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसके बारे में आपको बता सकते हैं जी। एक हमारे साथ एक और वोटर से जिससे हम बात कर रहे हैं, 81 ईयर के एक वोटर है, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो वोटर देखे वोटिंग करके आए हुए हैं, उनको क्या परेशानी आई है उन्हीं से जानते हैं हम। जी बताइए सर। मैं अभी वोटिंग करके आया हूँ, मैंने वहाँ उपस्थित उनके अधिकारी से बात की और वहाँ जहाँ वोटिंग देना है वहाँ प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मशीन के अलावा कोई चिन्ह वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अपने मोबाइल से लाइट जला करके अपना वोटिंग की है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। प्रॉपर ये मशीन पे लाइट नहीं है और न कैंडिडेट दिख रहे हैं न चुनाव चिन्ह दिख रहे हैं, और बुजुर्ग आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जब तक नहीं देख पाएंगे ठीक से तो वोट नहीं दे पाएंगे। हम पहुंच गए हैं बीओनू के पास, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है लोगों की, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी बताइए सर। लाइट प्रॉपर नहीं होने की हमारे पास समस्या आई है, तो क्या निस्तारण किया आपने उस समस्या? एक दो मतदाताओं ने बताया था कि उस पर थोड़ी सी रोशनी कम है, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिनकी थोड़ी सी दिक्कत आती है, टेबल को मशीन को थोड़ा लाइट के पास खिसका दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मतदाताओं से पूछ लिया, मतदाता लाइन खड़े हैं सबसे पूछ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अच्छा अच्छे से नजर आ रहा है। ये हमारे मतदाता भी वोट लेके निकले हैं, व्हील चेयर पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो व्हील चेयर पे ला रहे हैं, और हमारे आंगनबाड़ी सही कार्यकर्ता है सभी हैं, तो हम साथ में पकड़े ला रहे हैं। कितने परसेंट वोटिंग हो गई है आज अभी तक? अभी तक तो अभी 11 बजे तक का आंकड़ा था, अभी तो वोटिंग नहीं हुई। अच्छा वोटर्स कितने हैं आपने? 970। कितने काउंटर बनाए हैं? काउंटर कौन से? बूथ कितने हैं? बूथ 3 यहाँ पर, नहीं एक पे एक बूथ है, 970 पे 3 भाग संख्या है यहाँ पर, 3 भाग संख्या 66, 67, 68। आप लोगों ने जाना कि लोगों की समस्या आई है यहाँ पर, लोगों को नहीं दिख रहा है सिंबल, ये समस्या से हमने बीओनो के से बात की है, उनका प्रयास है कि समस्या से जल्द ही लोगों को निस्तारण मिलेगा। कोटा से टीना गोयल की रिपोर्ट।